हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलिमेंट्री ज्ञान। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ द एटम। तो एटम के इनर स्ट्रक्चर को पता लगाने के लिए रदरफोर्ड एंड हिज कोवर्कर्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, विच इज नोन एज रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जिसको हम प्रीवियस वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। एंड दिस एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व द बॉम्बार्डमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स ओवर अ थिन शीट ऑफ गोल्ड मेटल। और जब रदरफोर्ड ने गोल्ड मेटल की थिन शीट पर या गोल्ड फॉइल पर पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल्स को बॉम्बार्ड किया या फिर उनका कंटिन्यू अटैक किया, तो उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स के डिफरेंट बिहेवियर्स को ऑब्जर्व किया। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दीज ऑब्जर्वेशन ही प्रपोज्ड अ न्यू पिक्चर ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। एंड उन्होंने एक मॉडल प्रपोज किया विच इज नोन एज रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ द एटम। तो इस मॉडल को न्यूक्लियर मॉडल क्यों कहते हैं? बिकॉज इससे एटम के अंदर एक स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई थी। तो इस मॉडल को डिस्कस करने से पहले हम इसका जो बेस था रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, उसके जो ऑब्जर्वेशंस थे, वो एक बार फिर से ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। तो जब रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल्स को गोल्ड फॉइल पर स्ट्राइक किया था, तो उन्होंने 3 डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस देखे थे। उन्होंने क्या देखा था कि जो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल से टकरा रहे हैं, वो उससे अनडिफ्लेक्टेड पास हो जाते हैं। मतलब 99% अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो गोल्ड फॉइल से टकराकर सीधे निकल रहे थे। एंड अ फ्यू अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे थे। एंड वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, मतलब 12,000 में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो उस गोल्ड फॉइल से टकराकर वापस जा रहा था अपने सोर्स की तरफ, जहां से वो एमिट हो रहा है। तो इन तीनों ऑब्जर्वेशंस को रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन किया एटम की फॉर्म में, कि जो गोल्ड फॉइल है वो गोल्ड के एटम्स से मिलकर बनी होती है। इस तरह से ये गोल्ड का एटम है मान लीजिए, और जब इस पर अल्फा पार्टिकल्स की बॉम्बार्डिंग की जा रही है, तो उनका ऑब्जर्वेशन था कि जो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स हैं, वो इस गोल्ड के एटम्स से टकराकर सीधे निकल जाते हैं। इस तरह से तो इस ऑब्जर्वेशन को रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन किया कि जो एटम है इसके अंदर मोस्ट ऑफ द स्पेस एम्प्टी है, मतलब खाली है। अगर एटम सॉलिड होता तो जो अल्फा पार्टिकल्स इससे टकरा रहे हैं उनको डिफ्लेक्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। जब उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को इन पर बॉम्बार्ड किया, तो अल्फा पार्टिकल्स इससे टकराकर स्ट्रेट पास हो रहे थे। दैट मीन्स एटम के अंदर मोस्ट ऑफ द स्पेस एम्प्टी है। एंड जो नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन थी वो ये थी कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो इस गोल्ड फॉइल से टकराकर स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे थे। इस तरह से दैट मींस देयर मस्ट बी समथिंग मैसिव एंड पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी इनसाइड एन एटम। एटम के अंदर कुछ मैसिव और पॉजिटिव चार्ज है, जिससे जो पॉजिटिवली चार्ज्ड अल्फा पार्टिकल्स इसकी तरफ आ रहे हैं वो रिपल्शन शो करते हैं। और हमें यह पता है कि लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल्स जब इस एटम के अंदर पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस की तरफ आते हैं, तो ये इससे रिपल्शन शो करते हैं, कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। तो रदरफोर्ड ने बताया कि एटम के अंदर एक पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस होता है, और क्योंकि इन अल्फा पार्टिकल्स की जो क्वांटिटी थी वो बहुत ही कम नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे थे। दैट मींस जो एटम के अंदर पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है वो बहुत ही छोटा है एटम के साइज से। एंड जो थर्ड ऑब्जर्वेशन थी वो ये थी कि बहुत ही कम, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो इस गोल्ड फॉइल से टकराकर वापस अपने सोर्स की तरफ जा रहे थे या फिर लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे थे। दैट मीन्स जो एटम के अंदर न्यूक्लियस है वो डेंस है और हैवी है,
तभी तो जो अल्फा पार्टिकल्स यहाँ से टकरा रहे हैं इस न्यूक्लियस पे, वो लार्ज एंगल से रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। जिस तरह से हम बॉल को किसी हार्ड सरफेस पर थ्रो करते हैं या वॉल पर थ्रो करते हैं, तो बॉल क्या होती है, वापस से उसी डायरेक्शन में आ जाती है। तो इसी तरह से अल्फा पार्टिकल्स ने बिहेवियर शो किया, जब वो न्यूक्लियस से टकरा रहे थे तो वो वापस से उसी डायरेक्शन में चले जाते हैं। दैट मीन्स ये जो एटम है इसके अंदर न्यूक्लियस है वो बहुत ही डेंस है, इसीलिए ये अल्फा पार्टिकल्स को इससे पेनिट्रेट करने से रोकता है। तो इन ऑब्जर्वेशंस पर बेस्ड एक रदरफोर्ड ने मॉडल प्रपोज किया एंड विच इज नोन एज रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ द एटम। अब हम इस मॉडल को डिस्कस करेंगे। तो जो रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल था, इट वाज प्रपोज्ड इन 1911। इट वाज प्रपोज्ड बाय रदरफोर्ड इन 1911। तो इस मॉडल के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, वो क्या क्या हैं हम डिस्कस करेंगे अभी। फीचर्स ऑफ दिस मॉडल, तो इस मॉडल का फर्स्ट फीचर ये था कि रदरफोर्ड ने ये बताया था कि एटम जो है उसके अंदर एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है, जो क्या होता है, बहुत ही स्मॉल होता है और एटम के सेंटर में सिचुएटेड रहता है, और एटम का जो एंटायर मास होता है वो ये न्यूक्लियस कैरी करता है। मतलब क्योंकि एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका मास तो क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है, और एटम के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो होते हैं उन दोनों का मास ही क्या होता है, एटम का टोटल मास। तो जो एटम का मास जब न्यूक्लियस में कॉन्सेंट्रेटेड है, दैट मीन्स जो एटम है उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो फर्स्ट फीचर तो क्या हो जाएगा, द एटम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस विच इज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ द एटम। Entire mass of the atom. तो ये तो हो गया इस मॉडल का फर्स्ट पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट रदरफोर्ड ने क्या बताया था कि जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इस न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं इन सर्कुलर मोशन, सर्कुलर पाथ में। Negatively charged electrons revolve around the nucleus in the circular way।
दस दिस मॉडल इज ऑल्सो कम्पेरेबल टू द सोलर सिस्टम, क्योंकि जो सोलर सिस्टम होता है उसमें प्लैनेट्स जो होते हैं वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं सर्कुलर पाथ में। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं, और इसीलिए इस मॉडल को कहा जाता है प्लैनेटरी मॉडल। हेंस दिस मॉडल इज ऑल्सो कॉल्ड प्लैनेटरी मॉडल। अब थर्ड पॉइंट ये बताया था कि जो एटम होता है वो एज अ होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है क्योंकि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं। तो थर्ड पॉइंट हो जाएगा एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एंड फोर्थ पॉइंट है कि जो एटम के अंदर न्यूक्लियस है उसका साइज बहुत ही छोटा होता है एटम के साइज से। द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल टू द साइज ऑफ द एटम। और एटम के साइज को कैलकुलेट किया जाता है उसकी रेडियस को कैलकुलेट करके, और एटम की जो रेडियस होती है वो होती है ऑफ द ऑर्डर ऑफ एंगस्ट्रॉम। एटॉमिक रेडियस होती है ऑफ द ऑर्डर ऑफ एंगस्ट्रॉम, एंड वन एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10^-10 मीटर्स की। और जो न्यूक्लियस होता है एटम में वो एटॉमिक रेडियस से 10^5 टाइम्स छोटा होता है। मतलब जो न्यूक्लियस होगा उसकी रेडियस कितनी होगी वो होती है 10^-15 मीटर्स के ऑर्डर। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट था इसका फिफ्थ पॉइंट, वो ये था कि जो एटम के अंदर मोस्ट ऑफ द स्पेस है वो एम्प्टी है। मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। तो ये कुछ मेन फीचर्स थे इस रदरफोर्ड मॉडल के। ऑल्दो दिस मॉडल प्रपोज द न्यू पिक्चर ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, बट दिस मॉडल हैज अ फ्लॉ, और इसका एक ड्रॉबैक होता है। वो क्या होता है लेट अस सी। ड्रॉबैक और वी कैन से डिफेक्ट ऑफ दिस मॉडल, डिफेक्ट इन रदरफोर्ड मॉडल तो इस मॉडल का डिफेक्ट था इट डज नॉट एक्सप्लेन the stability
ऑफ द एटम एंड व्हाट डज इट मीन। इसका मतलब ये है कि एटम की स्टेबिलिटी को ये मॉडल जो था रदरफोर्ड का ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो एटम की स्टेबिलिटी से क्या मतलब है? अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल एटम जो होता है उसमें न्यूक्लियस इसके सेंटर में प्रेजेंट होता है इस तरह से, यही रदरफोर्ड ने बताया था, और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो सर्कुलर पाथ में इसके अराउंड न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं एंड इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल ये जो न्यूक्लियस है इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं एंड जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है देन इट इज सेड टू हैव एन एक्सेलरेटेड मोशन। मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो है न्यूक्लियस के अराउंड एक्सेलरेटेड मोशन कर रहे हैं एंड अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जब कोई भी चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन में मूव करता है देन इट मस्ट रेडिएट इट्स एनर्जी। ये जो इलेक्ट्रॉन है जब एक्सेलरेटेड मोशन में रिवॉल्व करेगा तो ये इसकी एनर्जी को लूज करेगा और जब एनर्जी को लूज करेगा दैट मीन्स इसकी स्पीड जो होगी वो कम होती जाएगी धीरे धीरे एंड ग्रेजुअली जब इसकी स्पीड कम होगी तो ये इस न्यूक्लियस से क्या होगा मोर अट्रैक्ट होगा और जब ज्यादा ये जो न्यूक्लियस क्योंकि इससे अपोजिटली चार्ज है तो निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होंगे तो क्या होगा धीरे धीरे ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस तरह से इसकी जब एनर्जी लूज होती जाएगी तो ये क्या होता जाएगा इसकी स्पीड कम होती जाएगी और जब स्पीड कम होती जाएगी तो ये स्पाइरल वे में एक्सेलरेटेड मोशन करता हुआ क्या हो जाएगा न्यूक्लियस के अंदर फॉल हो जाएगा। दैट मीन्स एटम जो है उसको कोलैप्स हो जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी बट ऐसा नहीं होता है। हम जानते हैं एटम्स जो है वो वेरी स्टेबल होते हैं एंड दे डू नॉट कोलैप्स ऑन देयर ओन। तो रदरफोर्ड जो मॉडल था वो इस स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था और यही इसका मेजर ड्रॉबैक था। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल क्या होता है। हमने यहाँ इस मॉडल को एक्सप्लेन करने के साथ साथ ये जो इसका बेस था रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट उसके ऑब्जर्वेशंस क्या थे वो भी डिस्कस किए हैं और इसका जो फ्लॉ था वो भी हमने साथ में एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर करना ना भूलें एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल एलिमेंट्री ज्ञान। Now I'll see you in the next video. Till then, keep learning and thanks for watching.